मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सॉल्यूशन में है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात किया था। इसके बाद दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब की बात किया था। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ साझा करते हैं। तो पहले आप न्यूमेरिकल देखिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके उसको कोशिश करिएगा कि करने की, साथ साथ हमारे करते रहिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन है, संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन और टॉलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टॉलुइन के वाष्प दाब क्रमशः 50.71 मिमी एचजी और 52.06 मिमी एचजी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉलुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश का परिकलन कीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कि संपूर्ण परास में बेंजीन और टॉलुइन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। बेंजीन और टॉलुइन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। शुद्ध अवस्था में बेंजीन और टॉलुइन के वाष्प दाब क्रमशः 50.71 और 32 यहाँ पे है 32.06 मिमी एचजी है। 80 ग्राम बेंजीन को जब 100 ग्राम टॉलुइन मिलाया जाता है तो वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। मतलब बेंजीन की जो मोल अंश की गणना करना है, मोल फ्रैक्शन निकलना है, वो वेपर फेज में निकलना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, शुद्ध अवस्था में मतलब पी नॉट बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है और पी नॉट टॉलुइन का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है। तो इसकी सहायता से ये हमारे पास दिया गया है, 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉलुइन में घोला जाता है, तो इससे हम बेंजीन और टॉलुइन के मोल निकाल सकते हैं। तो बेंजीन का मोल दोस्तों हम 80 ग्राम है और इसका बेंजीन का हम मोल निकाल रहे हैं एन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 80/78 इसका होता है मॉलिकुलर वेट C6H6 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपका आएगा 1.1 मैं डिवाइड करके दिख रहा हूँ 1.26 मोल, ये आपका आ जाएगा बेंजीन का मोल। इसी तरीके से टॉलुइन का अगर आप मोल निकालेंगे एन बराबर, तो 100 ग्राम टॉलुइन है, 100/N 92 हो जाएगा इसका। टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH3 के साथ जो है आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, ये टॉलुइन है। तो कह सकते हैं C6H5CH3। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 92 आपको मॉलिकुलर वेट इसका आएगा। अब मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो ये जो मोल आएगा 1.087 मोल आ जाएगा। अब इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेंजीन और टॉलुइन के मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं विलयन की अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स, विलयन की अवस्था में बेंजीन और टॉलुइन की हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। तो टॉलुइन का हमारे पास मोल आ गया, बेंजीन का मोल आ गया। अब हम यहाँ से आपको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, बेंजीन का मोल प्रभाज निकालेंगे। मतलब x ऑफ बेंजीन इक्वल टू बेंजीन के मोल दोस्तों कितने हमारे पास 1.026 डिवाइड बाई टोटल मोल मतलब 1.026 प्लस 1.087 इसे डिवाइड करेंगे तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 0. आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट होती नहीं क्योंकि मोल से मोल कट जाएगा, तो 1.026 प्लस 1.07 इसका मोल और इसका मोल, टोटल मोल नीचे हो जाएगा तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब 1-0.486 कर देंगे तो आ जाएगा आपका टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन, जो कि आएगा 0.514। ये टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए, टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन आ गया, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो हमें पता है पी निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास पी जो है, क्योंकि बेंजीन और टॉलुइन दोनों क्या हैं, लिक्विड स्टेट में हैं, दोनों वेपराइज होते हैं, तो
पी ऑफ बेंजीन, मतलब पी टोटल किसके लिए, बेंजीन के लिए, तो हो जाएगा पी नॉट बेंजीन इंटू इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स नॉट बेंजीन, मतलब शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जो आपका ये बेंजीन का वाष्प दाब होगा और इसका मोल प्रभाज, क्योंकि राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के समानुपाती होता है जो वेपर प्रेशर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब ये दिया हुआ है, मोल प्रभाज हमने इसका 1.026 निकाल लिया, तो यह हम क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे 50.171 इंटू 0.486, ये इसका आ गया क्या, मोल प्रभाज बेंजीन का आया था ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 24.65 mmHg। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, टोलविन का अपना निकालेंगे, टोलविन का हो जाएगा आपका C6H5CH3 टोटल, मतलब वेपर प्रेशर किसकी वजह से, ये जो हमारा टोलविन है इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, पी नॉट टोलविन इंटू इसका मोल फ्रैक्शन टोलविन का, तो इसका शुद्ध अवस्था में इतना वाष्प दाब है और इसका जो मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास वो आया 5.14, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास आपको मिलेगा 16.48 आपको मिलने वाला है। अब आप 16.48 जो आपको ये मिला हुआ है, अब हमको देखिए क्या हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन मिल गया, इसका मोल फ्रैक्शन पहले से यहाँ से पता चला था, यहाँ से पता चला था, तो गुणा करके हमने क्या किया, इसके वजह से वाष्प दाब निकाल लिया, इसके वजह से वाष्प दाब निकाल लिया, इन दोनों वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो संपूर्ण वाष्प दाब हो जाएगा। अब वाष्प अवस्था में, अभी तो ये जो लिक्विड हमने मिलाया था उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर आया था वो था, वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में यही हमको निकालना भी है, बेंजीन का मोल प्रभाज। दोस्तों ये मोल प्रभाज आया है लेकिन किस अवस्था में आया है, जब बेंजीन और टोलविन को हमने केवल मिलाया है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब वेपराइज होकर ऊपर चला गया तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वाई के टर्म में, वाई C6H6 इक्वल टू हो जाएगा बेंजीन का वाष्प दाब डिवाइड बाई कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। तो दोस्तों बेंजीन का वाष्प दाब अभी हम लोगों ने निकाला ये वाला, तो हो जाएगी 24.65 और टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41.13 आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 0.60, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, किस स्थिति में, वाष्प दाब की स्थिति में। तो टोटल को दोस्तों निकालेंगे कैसे, पहले हमने क्या कर दिया, हमारे पास बेंजीन और टोलविन दिया था तो हमने इसका मोल निकाल दिया, मोल निकाल के हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिए जब ये लिक्विड स्टेट में था, तो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन दोस्तों हमने निकाल लिया, वो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया और ये आ गया बेंजीन का और टोलविन का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो इसको शुद्ध वाष्प दाब से गुणा करके हमने बेंजीन के लिए क्या निकाल दिया, वेपर हमने वाष्प दाब निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वाष्प दाब निकाल दिया किस स्थिति में, जब ये लिक्विड स्टेट में था। अब बेंजीन का मोल प्रभाज निकालना है किस स्थिति में, वाष्प दाब में, तो बेंजीन ये फॉर्मूला होता है कि एक कंपोनेंट का वाष्प दाब वाष्प अवस्था में तो क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दाब बटे कुल वाष्प दाब, तो उसका वाष्प दाब इतना हो गया, कुल वाष्प दाब जोड़ के हमने क्या कर दिया, तो हमारा आंसर कहते हैं 0.60। ये दोस्तों हमारे पास आपको देखने के लिए, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्टेन के 114 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम पर मोल कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का 80% हो जाए, मूल वाष्प दाब का क्या हो जाए 80%। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सारी चीज़ छुपा हुआ है। ऑक्टेन के 114 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय मोलर द्रव्यमान जिसका कितना है 40 ग्राम कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर कितना हो जाए, मूल दाब का 80% हो जाए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, विलयन का वाष्प दाब
बराबर, मतलब ये पी एस सोल्यूशन है तो पी नॉट का 80% हो जाए, यहाँ से समझना है। शुद्ध शुद्ध ऑक्टेन का, शुद्ध ऑक्टेन का जो वाष्प दाब होगा उसका विलयन में क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, उसका 80% हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो 80% मतलब 0.8 पी नॉट। बात को हम लोग समझ पा रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब, मूल वाष्प दाब जो हमारा विलायक का वाष्प दाब, ऑक्टेन एक लिक्विड है उसका जो वाष्प दाब है उसका कितना हो गया 80%। तो इसका मतलब पी नॉट का, ये शुद्ध विलायक का 80%, तो कितना हो जाएगा आप अगर इसका निकालना चाहेंगे शुद्ध विलायक का कितना 80%, तो ये आ जाएगा आपको 0.8। ठीक है, अब हमारे पास विलेय का हमको कुल द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं विलेय का कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिएगा विलेय का द्रव्यमान दोस्तों हम मान सकते हैं x ग्राम है हमारे पास जो है। अब यहाँ पे जो है देखिएगा विलेय के मोल अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों द्रव्यमान तो निकालना ही है, मालूम ही नहीं है, और आणविक द्रव्यमान 40 दिया हुआ है, तो x बटे 40 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये तो हो गया विलेय का, विलायक की अगर बात करें तो विलायक तो ऑक्टेन है और 114 ग्राम क्या है उसकी मात्रा दी हुई है, 114 ग्राम उसकी क्या दी हुई है, मात्रा दी हुई है। अब 114 ग्राम मात्रा दी हुई और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो भी 114 होता है, तो कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो जो हमारा विलायक मतलब ऑक्टेन था उसके मोल कितने आ गए, 1। अब विलेय का मोल प्रभाज्य, तो विलेय का मोल प्रभाज्य दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसके मोल आए हैं, किसके मोल आए हैं, विलेय के, तो W बटे 40 डिवाइड बाई टोटल मोल, तो इसके मोल प्लस वन। वन किसका, ये हमारा जो आया विलायक हमारा अर्थात ऑक्टेन आया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, हमको राउल्ट के नियम से पता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स से, क्या दोस्तों एक्स से मतलब क्यों, क्योंकि यह वाष्पशील विलेय है तो एक्स भी तो होगा नहीं, एक्स ही होगा। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसका 80% ये हो जा रहा है। तो इसके लिए हमने रिलेशन भी निकाला था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिलेशन निकाला था। तो आप यहाँ पर आ जाइए, तो क्या रखेंगे यहाँ पे रखेंगे दोस्तों पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन के जगह पे हम यहाँ पे ये रखने वाले हैं 8/40 डिवाइड बाई W/40 प्लस 1, यहाँ से ये घट जाएगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा 0.2 पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू ये W/40 हो जाएगा। और इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 40 हो जाएगा और W प्लस 40, तो W+40 डिवाइड बाई 40 इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहाँ मिलेगा, तो 40 से 40 कट जाएगा, P0 से P0 कट जाएगा, और यहाँ से आप जब W कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आपको मिलेगा, फाइनली जो W का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 ग्राम। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि ऑक्टेन के 114 ग्राम में कितनी किसी अवाष्पशील विलेय के जो कि इसका मोलर द्रव्यमान 40 है कितनी मात्रा घोले जाए, तो 10 ग्राम घोला जाएगा। तो जो हमारे विलायक का वाष्प दाब रहेगा उसका वाष्प दाब घट के 80% के बराबर हो जाएगा, मतलब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे जो हमारा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हमारे विलेय का जो द्रव्यमान है उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो देखिएगा सवाल हमारा तीसरा सवाल है, यूरिया के एक जली विलयन का क्वथनांक इतना है, एक यूरिया में मतलब यूरिया का जली विलयन है इसका क्वथनांक कितना है, 373.18 केल्विन है। इस विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, इस विलयन का दोस्तों क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जबकि जल का मोलल अवनोन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक क्रम से इतना और इतना दिया गया है। जल का ये जो आपका वैल्यू है वो केल्विन की ग्रह इतने दी हुई है, यूरिया के एक जली विलयन का क्वथनांक इतना है। ठीक है दोस्तों,
इस विलन का हिमांक ज्ञात करना हमको, जल का मोलल अणु स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे लगा सकते हैं, पहले आप एक बार कोशिश करिएगा इसको लगाने की। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब डेल्टा टी बी कितना हुआ है, क्वथनांक में कितना उन्नयन है ये पता कर सकते हैं। क्योंकि शुद्ध जल का जो हमारा क्वथनांक है वो 373 केल्विन है, 373 केल्विन है। अब शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो जो हमारा जलीय विलयन में यूरिया बना है उसका क्वथनांक कितना है, तो 373.18 माइनस इतना कर देंगे तो डेल्टा टी बी अपने को मिल जाएगा 0.1 केल्विन। ये डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई दोस्तों। जल का क्वथनांक को पता है, शुद्ध जल इतना होता है, इसको घटा दिए तो डेल्टा टी बी मतलब क्वथनांक में उन्नयन कितना आ गया, इतना केल्विन आ गया। अब डेल्टा टी एफ अपने को पता नहीं है हिमांक में उन्नयन कितना होगा, और के एफ की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, तथा के बी की वैल्यू दी है 0.12 केल्विन केजी पर मोल। अब देखिए इसके साथ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमको पता है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। इक्वेशन वन इक्वेशन टू मान लेते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं कि मान लेते हैं समीकरण दो को एक से भाग देने पर, समीकरण दो को एक से भाग देने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई के बी इंटू एम, एम से एम कट जाएगा, तो कुल मिला जुला के यही हमको मिलेगा। डेल्टा टी एफ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ हमने निकाल दिया 0.18 इक्वल टू के एफ की वैल्यू पता ही है अपने को 1.86, और के बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी सवाल में ही। तो इसको जब हम कट करेंगे यहाँ से चीज़ों को, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दोस्तों हमारे पास जो आएगी निकल के, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है तो आपको बता दे रहे हैं, ये आ जाएगी 0.654 केल्विन आ जाएगी। किसकी वैल्यू दोस्तों, डेल्टा टी एफ की वैल्यू, मतलब ये आ गया हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन आ गया। और हमको पता है क्या, विलयन का हिमांक अगर मतलब निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको, निकालना है इस विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हिमांक ज्ञात करना है। अब विलयन का हिमांक कितना होगा ध्यान रखना है, विलायक मतलब जल का हिमांक, जल में घोला गया है तो विलायक कौन है, जल है, जल का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन। तो जल का हिमांक कितना होता है दोस्तों, 273 आपका होता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और 0.654 ये आ जाएगा हमको 272.3 के, मतलब इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी वैल्यू घट जाएगी। जो हमारा जल था वो इतने पे क्या होता, फ्रीज हो जाता, लेकिन उसमें यूरिया डाल दी गया है, तो यूरिया डालने से हिमांक क्या होता है दोस्तों, कम होता है। कितना कम होगा, तो हिमांक में अणु इतना आ गया, तो हिमांक के अणु को शुद्ध जो हमारा जल के हिमांक से माइनस कर देंगे तो विलयन का हिमांक इतना आ जाएगा। कैसे आ गया, हमने हिमांक के अणुमन को माइनस कर दिया किसके, शुद्ध हमारा जो जल है उसके हिमांक से, और हिमांक में अणु कैसे निकाल दिया, वो इस फॉर्मूले से निकाल दिया कि वहाँ उसको कैसे प्राप्त किया हमने, जो क्वेश्चन में डिटेल्स दिए हुए थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 1.82 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणु भार 155 है को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतनी क्या होती, कमी हुई, इतनी क्या हो गई, कमी हुई। आपको पता है कि पहले जो इसका हिमांक रहा होगा वो जो है क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, जैसे ही हमने कुछ में डाल दिया हिमांक में और क्या हो गई, कमी हो गई। तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक क्या करना हमको, गणना करना है। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक क्या करना अपने को, गणना करना है। तो अब आप देखिए सवाल फिर से पढ़िए, 1.82
82 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 सेल्सियस की क्या हो गई, कमी हुई। बेंजीन की मोलल अवनो स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। तो अब आपको ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था m = 1000 × Kf × W / ∆Tf × W। कैपिटल W क्या है, विलायक का मात्रा है, विलायक की क्या है, मात्रा है। और ये W क्या है, ये W हमारी विलेय की मात्रा है और ये विलेय का अणुभार है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई हैं उसकी बात करें तो देखिए m = दिया हुआ है 155, ये पता ही है। अब अपने को कैपिटल W जो है वो 100 ग्राम, क्योंकि किसी कार्बनिक यौगिक, कोई एक कार्बनिक यौगिक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम में जिनमें घोल रहे हैं। तो ये जो है कैपिटल W की वैल्यू कितनी है, 100 दी है। डेल्टा Tf की वैल्यू हिमांक में जो अवनमन हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी दी हुई है 0.06 केल्विन, ठीक है। अब Kf की वैल्यू है ना, Kf की वैल्यू मोलल अवनमन स्थिरांक तो यही है, Kf की वैल्यू पता नहीं है। तो सारा जो डाटा है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो सारा डाटा रख देंगे तो 1 by 155 = 1000 × Kf × 1.822 का W का मान, जो कि W का मान हमने आपको पता ही है, जान ही रहे हैं, तो 1.822 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 0.60 × 100, तो आपको Kf इधर लेके आना है, तो Kf = हो जाएगा 155 × 0.60 × 100 / 1000 × 1.822। तो भगवान की दया से 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा और इस कटेगा तो 15.5 हो जाएगा। इसको आप जब हल करेंगे तो फाइनली आपको जो है इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 1.04 केल्विन किग्रा पर मोल आपको मिल जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक कैसे मिलेगा दोस्तों, सारा डिटेल दिया हुआ है, ये हमको फार्मूला है, Kf निकालना है, सारी चीज़ें हैं, तो इसको इसमें पुट कर दिया सीधे तौर से आपको यहाँ से। अच्छा, इसको दोस्तों हमको क्या करना है, केल्विन में नहीं बदलना है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है डेल्टा Tf की वैल्यू, तो डिग्री सेल्सियस में ही पुट करना है, रख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिग्री सेल्सियस में ही रख देना है। सारे डिटेल हमको Kf निकालना था, बाकी वैल्यू दी गई थी, बाकी वैल्यू को लेते हुए हमने Kf को रख दिया और Kf हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा पराशर दाब से रिलेटेड है, दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है विलयन का स्थिरांक आर की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है। अब देखिए सोल्यूशन, पहले तो आप समझिए कि 3% यूरिया का अर्थ क्या है। 3% यूरिया का अर्थ है 3 ग्राम यूरिया कितने में घुली है दोस्तों, हमारे 100 ग्राम। 3% यूरिया विलयन का अर्थ है कि 3 ग्राम यूरिया 100 ml सोल्यूशन में घुली हुई है। 3 ग्राम यूरिया 100 ml में घुली है। अगर 1000 के हिसाब से निकालें तो 30 ग्राम यूरिया 1 लीटर में घुली हुई है, ये सांद्रता हो गई। ग्राम पर लीटर में क्या हो गई दोस्तों, सांद्रता हो गई कि 3 ग्राम घुली हुई है 100 ml में, तो 30 ग्राम घुली हुई है किसमें, 1 लीटर में घुली हुई है, ठीक है, कितने में घुली हुई है, 1 लीटर में घुली हुई है। तो अगर हम यहाँ पे यूरिया के मोलर सांद्रता की बात करें, यूरिया की मोलर सांद्रता की बात करें, 3% यूरिया जो कि हमारी NH2CONH2 की मोलर सांद्रता की अगर आपसे बात किया जाए तो 30 ग्राम इसका जो मोलर सांद्रता क्या होता है, मोल मतलब जो हमारे पास क्या है, यहाँ से मोल और मोललता जब हम निकालते हैं तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, मोललता यहाँ से आप देखिए आप निकाल सकते हैं, तो ग्राम बटे मॉलिकुलर वेट जो है निकालते हैं, उस तरीके से हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी सांद्रता निकाल ही लिया है 30 ग्राम प्रति लीटर। तो 30 ग्राम प्रति लीटर है तो उसको रख दिया, और इस यूरिया का जो हमारा
जो मोलर द्रव्यमान आता है वो 60 आता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0.5 m। ये इसकी क्या मिल गई, मोलरता मिल गई। क्या मिल गई दोस्तों, मोलरता। आप चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 ग्राम यूरिया है किसमें, 100 ग्राम में, तो 30 ग्राम है किसमें, 1 लीटर में, 30 ग्राम 1 लीटर में है दोस्तों। तो इसका अगर हम मोल निकालेंगे तो 30/60 0.5 मोल हो जाएगा, कितने में, 1 लीटर में। और 1 लीटर में का मतलब इसकी जो आपकी मोलरता आएगी वो आपको वही देखने को मिलेगी, 0.5 मोल या 1/2 मोलरता। ये मोलरता हो गई दोस्तों पता। अब मोलरता पता हो गई तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। या हम लिख सकते हैं पी के टर्म लेंगे तो पी इज इक्वल टू CRT। आर को कभी कभी यस भी लिखते हैं तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं हमको। तो सारी वैल्यू रख दें, पी इज इक्वल टू प्रेशर 0.5 सांद्रता हो गई है, और ये हो गई 0.82 हो गया, 0.082 हमारा हो गया आर की वैल्यू, इनटू टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो ये आपको 303 केल्विन मिलेगा, तो 303 केल्विन रख देंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा 12.523 वायुमंडल, ठीक है, क्योंकि इसका जो मात्रक दिया है वो हैंडल किससे रिलेटेड है, तो जो प्रेशर आएगा टोटल अर्थात ये पाई, मतलब पाई बराबर ये आया हुआ है, आप समझ सकते हैं, चाहे तो हम पाई के टर्म में कहें या तो हम पी के टर्म में कहें, दोनों की बात एक ही है। तो दोस्तों क्या था, सीधा सीधा हमको यहाँ से पहले मोलरता निकाल लेनी थी, और आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है, टी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टी की वैल्यू दिया है, आर कांस्टेंट है, सी हमने निकाल लिया, सी कैसे निकाल लिया, सांद्रता कैसे निकाल लिया, ये जो डिटेल दिया हुआ था यहाँ से हमने सांद्रता को समझ लिया कि इतनी सांद्रता होगी, और उसके आधार पर आसानी से क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिएगा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम प्रति लीटर विलयन 2% ग्लूकोज के समपरासरी है। समपरासरी मतलब जो विलयन, जो सोल्यूशन नंबर वन है उसकी उसका परासरण दाब सोल्यूशन नंबर 2 के परासरण दाब के इक्वल है, बराबर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए क्वेश्चन को समझेंगे। ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम पर लीटर विलयन 2% ग्लूकोज के सम परासरी है। ग्लिसरीन के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान जो है वो 180 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, फार्मूला अपने को पता भी है कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, या C को हम क्या ले सकते हैं, यह हमारा क्या है, मोल के टर्म में है, ये बात करेंगे है ना। अब जो दोनों के लिए आयतन समान होगा तो मोल के टर्म बात करेंगे। तो ध्यान रखना है ग्लूकोज का जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। ग्लिसरीन का कितना है, वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन ग्लिसरीन का कितना है वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है दोस्तों। तो दोनों का हम क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे, दोनों का पहले क्या करेंगे, परासरण दाब का रिलेशन निकालेंगे, और परासरण दाब निकालेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे, और आसानी से हमको ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों पता चल जाएगा। देखिए 2% ग्लूकोज दिया हुआ है ना, ग्लिसरीन का तो निकालते हैं पहले, देखिएगा 2% ग्लूकोज, 2% ग्लूकोज का अगर हम लोग परासरण दाब निकालें तो क्या रिलेशन बनेगा अपने को, तो ध्यान देखिएगा 2% का मतलब 2 ग्राम कितने में, 100 ग्राम में, 2 ग्राम कितने में, 100 ग्राम में, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम कितने में, 1 लीटर में। 20 ग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 लीटर में, तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 लीटर में हो जाएगा। तो इसकी मोलरता हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे कि ग्लूकोज का परासरण दाब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 20 ग्राम इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा,
ये तो सांद्रता आ गई, और सांद्रता को जो हम क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान से भाग करेंगे तो मूलद्रव्यता हो जाएगी। ये हो गया, समझ लीजिए ये आपका पी आ गया, इसके लिए क्वेश्चन वन मान लिया ग्लूकोज का। अब इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ग्राम पर लीटर में सांद्रता दी हुई है किसकी, ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन की सांद्रता ऑलरेडी हमको क्या है, ग्राम पर लीटर में दी हुई है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ग्लिसरीन के विलयन का परासरण दाब, मान लीजिए पी डैश मान लेते हैं, तो हो जाएगा 10.2 इंटू आर इंटू टी। इसका मॉलिकुलर वेट पता नहीं है हमको, तो हम मान लेते हैं एम। क्या लिए मान लिया दोस्तों, एम मान लिया। इसका हम ग्लिसरीन का मॉलिकुलर वेट हमको निकालना है, एम टू मान लिया, और एम वन की वैल्यू यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ये समीकरण दो हो गया, क्योंकि ये दोनों विलयन क्या है, एक दूसरे के सम पराश्रय, तो इनको हम इक्वल कर देते हैं, अर्थात पी इज इक्वल टू पी नॉट। तो पी की वैल्यू ये है दोस्तों 20 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 10.2 इंटू आर इंटू टी और एम टू। तो आर से आर कट जाएगा दोस्तों, टी से टी कट जाएगा, और अब एम टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम टू इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 इंटू 10 to power 2 ये हो जाएगा, कोई आंसर देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एम टू इज इक्वल टू 20 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा, तो एम टू इज इक्वल टू आ जाएगा 91.8 ग्राम पर मोल। ये आ गया दोस्तों ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन का क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे आप देख दिखाया आपको नहीं होगा, ये आ गया ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान। तो इट्स वेरी सिंपल दोस्तों, क्या था हमको दिमाग में ये रखना था, दिमाग में क्या रखना था कि सम पराश्रय विलयन का मतलब दोनों का जो पराश्रय दाब होगा वो समान होगा। तो इसका पराश्रय दाब हमने 2% ग्लूकोज का पराश्रय दाब कैसे निकाल दिया, 2% ग्लूकोज का अर्थ क्या है, 2 ग्राम 100 ml में, 20 ग्राम 1 लीटर में, तो इसकी सांद्रता हो गई। इसके अणुभार से भाग दिया तो मोलरता आ गई, और आर और टी को ऐसे ही रख दिया क्योंकि आगे वो कट जाने वाले थे। ग्लिसरीन की सांद्रता यहाँ पे आप देखिए 10.2 ग्राम पर लीटर दी हुई है, एम टू निकालना है, इन दोनों को बराबर कर दिया और काट के क्या कर दिया, फाइनल हमको क्या हो गया, इसका आंसर प्राप्त हो गया। एक आध क्वेश्चन दोस्तों और देख देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर ये सांद्रता दी हुई है। ध्यान रखना, सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का पराश्रय दाब 4.98 bar है। यदि उसी ताप पर विलयन की पराश्रय दाब 1.52 bar हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सांद्रता निकालना है जब पराश्रय दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, और टेम्परेचर क्या रहे दोस्तों, वही रहे। तो ध्यान का देना है कि पहली स्थिति में केस नंबर फर्स्ट में क्या है, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आर टी। पी की वैल्यू दी हुई है 4.98 सांद्रता, अब देखिए 36 ग्राम प्रति लीटर ग्लूकोज सांद्रता वाले, तो 36 डिवाइड बाई 180 इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 300 केल्विन, तो 300 केल्विन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब क्या कहा है केस सेकंड में क्या कहा है, आप देखिएगा वहाँ यहाँ पे भी, मतलब इसको मान लेते हैं, इसको भी इस तरीके से पकड़ते हैं, तो मान लीजिए P1 इक्वल टू ये जो है आपका C, और C1 और इसको हम मान लेते हैं T2, तो ये हो जाएगा T1 मान लीजिए, तो इसको T2 मान लेते हैं, चलिए ठीक। चल अब इसकी वैल्यू दी है कि 36 ग्राम सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का पराश्रय दाब इतना है, तो इसके आधार पे हम लोगों ने ये इक्वेशन बना दिया केस फर्स्ट में। दूसरा क्या है, यदि उसी ताप पर, मतलब टेम्परेचर 300 है, विलयन की पराश्रय दाब कितना हो जाए, 1.52 हो जाए, तो उसकी सांद्रता मतलब C2 निकालना है, R तो कांस्टेंट है और T2 का मान ऑलरेडी फिर से कितना है, 300। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको C2 निकालना है, तो C2 निकालेंगे क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे, समीकरण
दो को एक से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण दो है तो 1.52 डिवाइड बाई 4.98 इजिकल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से देखने को मिलेगा सी आर, समीकरण नंबर आपका ये दो है तो यहाँ से सी टू पकड़ लीजिए आप, सी टू आर इंटू 300, और ये चीज़ जो है ऊपर आ जाएगी तो 180 हो जाएगा ऊपर। अब आप देखिएगा नीचे हो जाएगा 36, 36 इंटू आर इंटू 300। तो दोस्तों समीकरण दो को हमने एक से भाग दिया, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैथ है, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 300 से ये 300 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और 36 से इसको अगर आप काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो फाइनली सी टू इक्वल टू जो आपका आएगा 1.52 इंटू, अगर हम देखें तो 36 को अभी ले लेते हैं, 4.98 इंटू इतना 18 से काटेंगे, ये दो बार में जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा करके इसमें से काटेंगे, तो फाइनल जो है सी टू का आंसर आएगा वो आएगा 0.06, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं मोल पर लीटर। तो ये सांद्रता आ गई कि जब हम क्या करेंगे 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन के पार्श्व दाब इतना है, तो उसी ताप पर विलयन का पार्श्व दाब यदि इतना हो जाएगा तो उसकी सांद्रता कितनी होगी, इतनी होगी। मतलब सांद्रता दोस्तों क्या होगी, पहले वाली की सांद्रता से अगर इसकी सांद्रता कम होगी तो पार्श्व दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि अगर हम सांद्रता देख रहे हैं तो सांद्रता क्या है, पहले वाली कुछ ज़्यादा आ रही है सांद्रता और ये क्या आ रही है, कम आ रही है। अगर ये कम आएगी तो इसका पार्श्व दाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कम आपको देखने मिलेगा, पहले वाले का पार्श्व दाब क्या है, ज़्यादा है। तो इनफैक्ट ये ज़्यादा कम आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना था दोस्तों कि किस तरीके से एक कंडीशन दिया हुआ था, दूसरा कंडीशन दिया हुआ, तो एक चीज़ निकाल के दूसरे हमने क्या कर दिया, आसानी से रख दिया, तो ये आ गया। नेक्स्ट में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ असमान अणुभार वाले, मतलब वांट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चन लेके। टिल देन बाय बाय, सी यू।